हाय दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल है एक कर्टेंस के ऊपर। तो लॉकडाउन में आप लोग घर से जा नहीं पा रहे कहीं, तो आप घर बैठे करके ट्यूटोरियल्स देखा करिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कर्टेंस बनाना। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, इसका काम बेसिकली हम लोग प्लेन में काम करेंगे। प्लेन को हम लोग कहाँ से लेंगे, आप लोग यहाँ से लेंगे तो इसमें बहुत मेहनत लग जाएगा, इसको रोटेट करना पड़ जाएगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और सेगमेंट को ऑन कर लेते हैं। एंड जो कर्टेंस का काम होता है दोस्तों, वो बेसिक करके सेगमेंट्स का ही ज़्यादा देना पड़ता है। तो सेगमेंट्स का सारा काम सेगमेंट्स का ही है, और 3ds Max में 95% का सारा काम सेगमेंट्स पे ही होता है। तो हम लोग सेगमेंट को इसको बढ़ा लेते हैं लगभग इस तरीके से। एंड दोस्तों, ये जो सेगमेंट्स बढ़ाए हैं, आप लोग ये नंबर को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि जो अब जो नंबर हम डाल रहे हैं आप लोग भी वही नंबर डालोगे तो होगा। बेसिकली जो काम करता है 3ds Max, उसका लॉजिक समझना पड़ेगा कि ये जो बॉक्स हम लोग, ये जो स्क्वायर में आ रहा है, हम लोग स्क्वायर बनाना है। कोई कोई क्या होता है ना, कि अगर इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, तो हम लोग सेम नंबर डाल देंगे तो कभी कभी ये रिक्टेंगुलर बन जाता है। तो उसकी वजह से वो मैक्स अच्छा से वो समझ नहीं पाता है, तो वो अच्छा से आउटपुट नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से लगना चाहिए इस टाइप का, कि हमारा देखिए सब स्क्वायर जैसा फील होगा। उसके बाद हम लोग एक और बॉक्स लेंगे टॉप व्यू में जाके, इस तरीके से। इसको हम लोग ले आएंगे एकदम टॉप में, एंड बॉक्स का साइज थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग इस जो एक्स्ट्रा बॉक्स लिए हैं, इसमें भी हम लोग को सेगमेंट देना पड़ेगा, ताकि और अच्छा से वो काम करे। लगभग इतना, ठीक है? अगर इसमें कुछ डाउट्स होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको, या फिर व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर लेना अगर कुछ दिक्कत हुआ तो इस कलर्स बनाने में। तो फिर क्या करते हैं, ये दोस्तों हम लोग का बेसिकली दोनों काम हो गया है, एक प्लेन ले लिए हैं और एक बॉक्स ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑटो की से थोड़ा काम करेंगे, एनिमेशन का थोड़ा सा काम आएगा। ये बेसिकली एनिमेशन लगता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे टच देंगे ताकि और अच्छा से ले। तो हम लोग ऑटो की को ऑन करके इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, लगभग 55 या 54 तक कर लेते हैं, 55। एंड इसको फिर स्केल कर लेते हैं, हाँ इतना तक हमारा कर्टन्स तैयार होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग सेट कर लिए की को। अगर ये सेट नहीं करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये जो कर्टन्स बनेगा वो तो नहीं तो गिर जाएगा नीचे नीचे की तरफ, नहीं तो फिर वो बहुत मुड़ जाएगा, ताकि बहुत प्रॉब्लम होगा देखने में, इसलिए हम लोग इसका हेल्प लेते हैं। तो ऑटो के को हम लोग सिलेक्ट करके हम लोग उस जगह पे रख देते हैं 0 लेवल में। अब हम लोग सारा काम करेंगे, इसमें क्लॉथ्स जाएंगे, मॉडिफाई लिस्ट में जाके क्लॉथ्स ले लेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके। ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसको बनाना क्लॉज करना है, तो हम लोग इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ डाल देंगे ताकि और अच्छा से वो हो सके। तो प्रॉपर्टीज़ में डाल के इसमें देखिए एक ही दिखा रहा है, एक ऑप्शन यहाँ पे लेयर है, इसमें हम लोग को काम आएगा दो, एक बॉक्स लिए हैं एक प्लेन लिए हैं, तो हम लोग को इसको भी ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग बेसिकली जाते हैं ऐड ऑप्शन में जाके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरा जो मैक्स में कुछ और है नहीं सिर्फ कर्टेंस के सिवा, इसलिए हमारे लेयर में से दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट है, एक है आपका प्लेन एंड एक दूसरा बॉक्स। अगर आप बना रहे होगा, अगर आप कुछ अगर मॉडलिंग पहले से किए रखोगे, या बेडरूम का, लिविंग रूम का, तो इसमें यहाँ पे बहुत सारा लेयर दिखेगा। तो बेसिकली समझना क्या है, कि हमारा जो बॉक्स नंबर 01, ये बॉक्स नंबर 01 है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी PC में, लैपटॉप में 01 ही दिखे, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग को लेना क्या है, इस बॉक्स को लेना है, तो हम लोग इसको यहाँ से लेके ऐड कर दिए। अब हम लोग पास दो ऑब्जेक्ट हो गया है, तो हम लोग पहला जो प्लेन है इसको हम लोग क्लॉथ में चेंजेस करेंगे। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे प्रीसेट्स भी डाल सकते हैं चाहे तो, इसमें बहुत बढ़िया चीज़ दिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो, सिल्क, सैटन, उलेन, कोई भी कपड़ा ले सकते हो, तो इसमें से यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है। और हम लोग को करना क्या है, एक बॉक्स में उसको हम लोग कर देना क्लोजिंग ऑब्जेक्ट में,
बस। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और भी एक दो चीज़ करना है तो उसमें भी इसमें नहीं ज़रूरत पड़ेगा, जब हम लोग बनाएंगे ब्लाइंड्स तब उसमें लगेगा ये सब का ऑप्शन। इसके लिए इसमें सिर्फ इतना ही करना है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब ये देखिए क्लॉस के पास एक छोटा सा दिख रहा है बटन, उसमें हम लोग का ऑप्शन छिपा रहता है, वो एक्चुअल में हाइड किया रहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते ही ऑप्शन सारा शो होने लगता है। तो हम लोग इसमें से काम करेंगे ग्रुप में, ग्रुप में जाएंगे हम लोग, चले आते हैं इस व्यू में, आप सबको कर लेते हैं सेलेक्ट। तो जहाँ तक हमारा जो बॉक्सेस जो बनाए हैं ऊपर का जो बॉक्स फर्स्ट वाला उतना ही रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक वर्टेक्स को हम लोग अनसेलेक्ट कर सकते हैं, तो और अच्छा से वो कर्टन्स का शेप में आएगा। शेप समझने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो हम लोग इसको दो वर्टेक्स को हटा लेते हैं, इस तरीके से कर सकते हो आप। बस इतना चलेगा, और ज़रूरत नहीं है इतना करने का। उसके बाद हम लोग जाएंगे मैं ग्रुप में, ग्रुप का नाम दे सकते हो या फिर हम कुछ नहीं दिए हैं, और फिर सरफेस में क्लिक करके इस बॉक्स में क्लिक कर दो। उसके बाद हम लोग करते इस व्यू में आ जाते हैं, और इसमें कुछ करना नहीं है तो हम लोग इसको ऑफ़ कर देंगे। ग्रुप को जैसे बंद करेंगे तो ये सारा ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। अब हम लोग काम कर देंगे सेल्फ कॉलिजन में करेंगे, ताकि वो अच्छा से और शेप में आए। तो हम लोग इसका 1 देंगे, 1 से ज़्यादा वैल्यू देंगे तो वो क्या होगा, और भी बेकार हो जाएगा, इसलिए हम लोग 0 नहीं तो फिर 1 रखते हैं। बेसिकली हम लोग 1 ही रखेंगे। उसके बाद सारा चीज़ हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से सिमुलेट को ऑन कर लेते हैं। अब ये देखिए ये कितना बढ़िया से हो जाएगा, जहाँ हमारा की को सेट किए थे उतने ही तक होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फिनिश करने के लिए स्केप बटन दबा सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया शेप में हमारा कर्टन्स तैयार हो गया है, देख पा रहे हैं। तो ये जो स्टेप बताया, अगर ये स्टेप को सही सही फॉलो करिएगा तो ये सेम इसके जैसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा में और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इसमें थोड़ा सा और सेगमेंट डालेंगे तो और स्मूथ टाइप का लगेगा कर्टन्स। ये तो बहुत पतला है, तो थोड़ा सा थिकनेस डालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसमें सेल का ऑप्शन, ये देखिए। बट इतना तो मोटा रहेगा नहीं, इसको हम लोग वैल्यू को कम कर देंगे लगभग इतना, एंड इसमें एक और चीज़ करेंगे ताकि और खूबसूरत लगे। तो हम लोग इसमें कर देंगे टर्बो स्मूथ, इसके अंदर में सेगमेंट्स ज़्यादा हो गया, अब ये देख के दिखने में और अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग टेक्सचर डाल देते हैं ताकि और अच्छा फिनिशिंग हो। तो मैं ये काम कर रहा हूँ स्टैंडर्ड में, वीरे में नहीं कर रहे हैं, वीरे में करने में अभी टाइम नहीं है, तो फ़िलहाल इसको हम लोग स्टैंडर्ड में कर लेते हैं। डिफ्यूज़ में जाके बिट मैप, मेरे पास कुछ इमेजेस है, जैसे मान लो ये टेक्सचर ले लिए हैं आप, यहाँ पे इमेज देख सकते हो इस टाइप का टेक्सचर है हमारा पास। आप कोई और टेक्सचर डाल सकते हो कुछ भी, तो हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये देख रहे हैं। तो ये पूरा बन गया है। इसमें कुछ और भी कुछ कारनामा करना है तो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये विंडो पे आप लगाए हैं, सपोज करिए विंडो के पास है और आपका विंडो खुला हुआ है, तो उधर से अगर हवा आएगा तो जो कर्टेंस है वो तो थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, उड़ेगा, तो हम लोग वैसा भी फील करा सकते हैं इस विंडो को। तो थोड़ा ऑप्शन जानना पड़ेगा, वो उसका नाम है FFD। तो हम लोग FFD का हेल्प ले लेते हैं थोड़ा, ताकि और आपका सीन को और अच्छा बना सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट में जाके थोड़ा सा इसको आप आगे की तरफ फ्लो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इधर से हवा आ रहा है, थोड़ा एस टाइप का इसको इधर थोड़ा ऊपर की तरफ, फिर कन्वर्ट टू एटल पॉइंट, ये देखिए। तो आप कोई भी शेप में डाल सकते हो, मान लीजिए हम इधर सॉर करना है। कंट्रोल पॉइंट्स का हमारा ट्यूटोरियल बना हुआ है हमारे वीडियो में, और बहुत डिटेल में आप उसको भी देख सकते हो, चाहे नीचे से पूरा स्टार के पूरा इस तरीके से, जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब लाइक करिएगा,
एंड कुछ भी अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो मेरा इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ नंबर, उसमें आप व्हाट्सअप करके मुझे सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।